हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोनित, आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर आर नर्सिंग क्लासेस पर और साथ ही साथ आज की शानदार वीडियो में। आज की क्लास अपनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर को जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रोटीन। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोटीन यूनिट के बारे में। और इससे पहले जो है लास्ट क्लास में अपन ने जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उसकी जो यूनिट नंबर 1 थी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अभी तक भी जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, या आज जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरी इस क्लास से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप इस क्लास के बाद में जाके जो न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास है उसको भी ज़रूर 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 देखिएगा और अपना जो बेस है उसको क्लियर कीजिएगा। और न्यूट्रिशन की जो फर्स्ट क्लास है उसका जो एक लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो ऊपर आई का बटन आ रहा है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको जो है न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास का जो है लिंक देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस क्लास के बाद में जाके जो फर्स्ट क्लास है उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, और एक बार क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो कि अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल के लिंक को और वीडियो के लिंक को, दोनों के लिंक को जो है अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अपने वीडियो से और अपने चैनल से कनेक्ट हो पाएंगे, और उनके भी जो डाउट्स हैं बीएससी नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं या न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उसको लेके वो डाउट्स उनके क्लेरिफाई हो पाएंगे। तो मेक श्योर आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के सपोर्ट से, प्यार से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप इसी तरीके से रेगुलरली शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इस वर्ड के मीनिंग के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये जो शब्द है प्रोटीन, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये जो वर्ड है प्रोटीन बेटा, ये एक ग्रीक भाषा के शब्द यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और किस वर्ड से लिया गया है? प्रोटियोस से। यानी कि ये जो वर्ड है प्रोटीन, एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है। और ये जो प्रोटियोस जो वर्ड है उसका मतलब होता है फर्स्ट प्लेस या फिर सुप्रीम। यानी कि ये जो प्रोटीन है, सबसे पहली चीज़, ये एक मैक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स है, और अपनी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको जो है फर्स्ट प्लेस या सुप्रीम के नाम से भी अपन जानते हैं। और साथ ही साथ इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो एक डच केमिस्ट थे जिनका नाम था जीजे मुल्डर। उन्होंने सन 1839 के अंदर ये जो प्रोटीन है उसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कि क्योंकि इससे एक एमसीक्यू बन के आ सकता है, आपके एमसीक्यू में इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था, तो आपको लिखना है जीजे मुल्डर ने। या फिर आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि किस सन के अंदर, किस वर्ष के अंदर जो है यानी कि ये जो प्रोटीन है उसको डिस्कवर किया गया था, तो आप लिख देंगे 1839 के अंदर। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट लाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन के आ सकता है आपके इस लाइन से। चलिए आगे देखते हैं। और कंपोजिशन की अगर अपन बात करें, तो जो प्रोटीन है एक बहुत ही जो है लार्ज कंपोनेंट्स है, जो कि मिलकर बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, और साथ ही साथ नाइट्रोजन से। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर जो है क्या है कि प्रोटीन बना हुआ है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अपने साथ जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कैरी करता है। तो ये चीज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो प्रोटीन है वो आखिरकार किससे मिलके बना हुआ है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। यानी कि ये जो प्रोटीन है उसके जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको अपन क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं? एक प्रोटीन बना रहे हैं। क्लास में आगे हम इसका एक डायग्राम से इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो अमाइनो एसिड्स होती है। यानी कि छोटे छोटे जो अमाइनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक साथ मिलकर यानी कि इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। अगर अपन अमाइनो एसिड्स की बात करें, तो अमाइनो एसिड्स को आप जो है बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, और ये जो मैंने है रेड कलर से पॉइंट आउट किया हुआ है आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको अपन बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात ये आती है कि एक्चुअल में अमाइनो एसिड्स होते कितने हैं? तो बेटा देयर इज़ अ 20 अमाइनो एसिड्स। कहीं कहीं किसी बुक के अंदर आपको 21 भी देखने को मिलेगा, 22 भी देखने को मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलेंगे, कहीं थोड़े कम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अप्रॉक्स जो या आप कह सकते हैं जो कि है कि लगभग 20 जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ऐसे, जो कि मिलके जो है आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो इधर से ये भी एक एमसीक्यू बन के आ सकता है।
कि सबसे स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है प्रोटीन की, तो आपको जो है लिखना है अमाइनो एसिड्स, या ऐसे भी बोला जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि ये जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बना होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि अमाइनो एसिड से जो है मिलके बना हुआ होता है। और साथ ही साथ एक एमसीक्यू ये भी बन के आ सकता है कि अमाइनो एसिड्स हम किस नाम से और जानते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ तीसरा एमसीक्यू जो बन के आ सकता है बेटा इसमें, वो इधर ये आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे तीन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू बन के आ रहे हैं, तो प्लीज आप इनको जो है अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको सभी को सब कुछ क्लियर होगा। आगे की वीडियो में हम और भी बेहतर तरीके से डायग्राम से इसको समझेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग बच्चे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए हम आगे से डायग्राम की मदद से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। अब इस इमेज के अंदर जो आपको ये ग्रीन और पिंक और ये ब्लू और ये येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये आपके अमाइनो एसिड्स हो गए। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या कहा था कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर आपके क्या कर रहे हैं, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेटा अब इस चीज को इस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जो एक राउंड शेप में जो ये पिंक ब्लू और ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपन अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये जिस लाइन से एक ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, तो ये जिस लाइन से जो कनेक्टेड है उसको अपन पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से कहते हैं। तो जब ये काफी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलके एक चेन बनाते हैं, और किससे मिल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से मिल रहे हैं, एक चेन बनाते हैं, और उस चेन का नाम क्या हो रहा है अपना, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाता है। वो अपन आगे एक डायग्राम से और समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि जो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, यानी कि काफी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो एक बॉन्ड के जरिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उस बॉन्ड का जो नाम अपन ने रखा है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बन के आ सकता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो आपको टिक करना है कि पेप्टाइड बॉन्ड से जो है सभी जो अमाइनो एसिड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो एक चैन बन गई, लेकिन इससे प्रोटीन कहां बना, तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सो आगे क्लास के साथ यूं ही बने रहे, नेक्स्ट डायग्राम से आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक क्या कर रहा था, अभी अपन ने क्या सीखा था कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से मिलके क्या कर रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, और उस चेन का नाम क्या हो रहा है अपना, उस चेन का नाम है पेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से भी अपन इसे जान सकते हैं। जैसा कि जो ये सेंटर वाला जो डायग्राम है आपको जो दिख रहा है, इसके अंदर मैंने जो नीचे लिखा हुआ है पेप्टाइड, तो अब आप इसे पेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जब सभी अमाइनो एसिड्स आपस में एक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, और उसके बाद में जब ये ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन काफी सारी हो जाती हैं, और जब ये सभी पॉलीपेप्टाइड चेन भी आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं, और उसके बाद में जाके फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है अपना प्रोटीन। समझ में है आपको, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, और काफी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर क्या बना रही है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि एक प्रोटीन बना रही है। तो ये आपका एक जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है प्रोटीन का। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए कि इधर से भी एक एमसीक्यू बन के आ सकता है कि ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को स्पेसिफिकली आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक की क्लास में आई होप सब क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो कि है प्रोटीन की डेफिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की डेफिनेशन अगर अपन देखें, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, प्रोटीन की डेफिनेशन है, ए प्रोटीन इज अ नेचुरली अकरिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अभी तक की क्लास जिस भी स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, तो उनको ये डेफिनेशन बहुत ही आसानी से जो है समझ में आ जाएगी। ये डेफिनेशन आपको क्या कह रही है कि प्रोटीन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और साथ ही साथ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, और ये किससे मिलके बना हुआ है, अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है। और जब अमाइनो एसिड्स किससे जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से, एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है। अब जो प्रोटीन है अपनी बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही बेनिफिशियल होता है अपनी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, मसल्स टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट के लिए, अपने मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। ये सभी चीज़ अपन आगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन के अंदर और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन याद रखें और डेफिनेशन जो है एकदम एक्यूरेटली इसी को याद रख ले, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। आपने ये तो कह दिया था सर कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बताओ तो सही कि कितने और कौन कौन से जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे तुम सभी को दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है, अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके आपके जो है प्रोटीन बना रही है, तो ये अमाइनो एसिड्स एग्जैक्टली कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये अपन जान लेते हैं। बेसिकली बेटा ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज असेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेकंड इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड थर्ड इज सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स। आपको डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ल्यूसीन, आइसोलेसिन, लाइसिन, मिथियोनिन एंड थेरोनिन, वैलिन और एक्सेट्रा, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। साथ ही साथ नॉन असेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके बारे में भी समझाया हुआ है, अलीन, एस्परजिन और सेरिन, ये कुछ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल हैं। और साथ ही साथ अगर अपन असेंशियल या फिर कंडीशनल असेंशियल अमाइनो एसिड्स की अगर अपन बात करें, जो कि है आर्जिनिन, सिस्टीन, थायरोसिन, ग्लाइसिन, तो ये कुछ जो है सेमी असेंशियल आपके अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब कोई भी आपसे पूछ ले कि अमाइनो एसिड्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं, तो आपको बोलना है थ्री टाइप्स में। कहीं कहीं बुक में देखो टू टाइप्स भी दिया हुआ है, सिर्फ असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में जो है आपके असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड सेमी असेंशियल, इन तीनों टाइप्स के बारे में आपको समझाया गया है। तो आपको जो है क्या बोलना है कि थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, असेंशियल, सेमी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो अपन इनके बारे में अपन जो है जान लेंगे। तो देखो असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं बेटा, असेंशियल अमाइनो एसिड्स यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी ज़रूरत यानी कि जिनकी नीड अपनी बॉडी को होती तो है, लेकिन हमारी बॉडी इसको क्या है खुद जो है प्रोड्यूस नहीं करती है। क्या सुना आपने, खुद अपनी बॉडी जो है अमाइनो एसिड्स कौन से असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमको अपनी जो एक्सटर्नल जो डाइट होती है उससे या सप्लीमेंट से जो है इनको जो है कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि अपनी जो बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके। और जबकि अपन अगर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स को देखें तो ये जस्ट असेंशियल अमाइनो एसिड्स के अपोजिट होते हैं। अपोजिट यानी कि किस तरीके से, यानी कि नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स बेटा ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एक इंसान की एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर ही जो है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए अपनी बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से किसी प्रकार के कोई भी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ ले या कोई भी आपसे पूछ ले कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, तो आप इस तरीके से उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आइएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। तो क्लास में यूं ही रेगुलर बने रहें, और अभी तक भी अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। प्रोटीन की फंक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो आपको दिख रहा है, प्रोटीन इज प्राइमरली यूज इन द बॉडी टू बिल्ड, मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। यानी कि प्रोटीन, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ बार बार आपको कि प्रोटीन अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, यानी कि अपने टिश्यूज के लिए, यानी और साथ ही साथ अपने जो मसल्स की जो ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए जो प्रोटीन है बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। आप सभी शायद जानते होंगे कि अपनी जो मसल्स जो होती हैं बॉडी के अंदर उसको जो है स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, या उसके रिपेयरमेंट के लिए या उसके बिल्डअप के लिए कौन सा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। यानी कि अपनी जो मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं किससे हो रही हैं, एक तरीके से प्रोटीन से डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने ये देखा होगा कि जो भी ये स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं या फिर जो लोग जिम जाते हैं वो लोग जो है अच्छे खासे जो प्रोटीन डाइट है वो कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने फिजिकल एक्टिविटी करी यानी कि जो भी स्पोर्ट्स इन्होंने प्ले किया या जिम के अंदर जो भी इन्होंने एक्सरसाइजेस करी उस दौरान क्या है मसल्स वर्क में आई हैं, मसल्स जो है क्या आई हैं वर्क में आई हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मसल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है और साथ ही साथ मसल्स के ओवरऑल जो रिपेयरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो क्या है कि प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा असेंशियल, बहुत ही ज़्यादा
आवश्यक होता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें जो कि है द प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन एड इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि ये जो प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन ये अपने जो मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए यानी कि मसल मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखो बेटा अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन के फंक्शन यानी कि प्रोटीन एक ह्यूमन बीइंग के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है या किस तरीके से फंक्शन करता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्रोटीन जो है अपने जो मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब चाहे से मसल मूवमेंट के लिए हो या मसल्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो या टिश्यू उसके रिपेयरमेंट के लिए हो, तो इस तरीके से जो प्रोटीन है अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अगर अपन फंक्शन की बात करें जो कि है प्रोटीन प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी लाइक पेप्सिन, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, वो सभी जो है बने होते हैं प्रोटीन से। इसके लिए एक लाइन कही जाती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स, यानी कि जितने भी एंजाइम्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो एक फंक्शन प्रोटीन का ये भी होता है कि एंजाइम्स को सिक्रीट करना या प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें प्रोटीन प्रोड्यूस सम हार्मोन्स लाइक GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और साथ और भी काफी सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिक्रीट करता है, यानी कि प्रोटीन एंजाइम तो सिक्रीट कर ही रहा था यानी कि एंजाइम को बनाने का काम कर रहा था और साथ ही साथ प्रोटीन जो है काफी सारे हार्मोन्स को भी जो है प्रोड्यूस करता है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन। तो ये भी एक फंक्शन होता है प्रोटीन का और हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें जो कि है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सम मॉलिक्यूल्स थ्रू द ऑर्गेनिज्म लाइक हीमोग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन का एक ये फंक्शन होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी तरफ जो है ट्रांसफर करने का काम करता है। फॉर लाइक एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है कि ये हीमोग्लोबिन जो है किससे मिलके बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि आयरन प्लस प्रोटीन, ग्लोबिन का मतलब क्या हो गया प्रोटीन। तो अब हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है कि नहीं करता, और ऑक्सीजन को जो है पूरी जो है ऑल ओवर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है यानी कि ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो प्रोटीन का एक ये फंक्शन भी होता है ट्रांसपोर्टेशन वाला कि किसी भी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने साथ कैरी करना और ऑल ओवर जो बॉडी है उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट अगर अपन फंक्शन की बात करें जो कि है प्रोटीन लाइक कोलेजन एक्टिन एंड मायोसिन इज गुड फॉर स्किन, नेल्स, हेयर एंड मसल्स, यानी कि ये जो प्रोटीन होते हैं कोलेजन, एक्टिन और मायोसिन ये अपने जो बॉडी के जो स्किन होते हैं, हेयर होते हैं और जो मसल्स होती हैं इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर टीवी के अंदर जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कुछ शैम्पू के जो है या कुछ कंडीशनर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप इनको यूज करिए, इसके अंदर क्रिएटिनिन है, कोलेजन है जो कि आपके हेयर्स के लिए जो है बहुत ही अच्छा है, शाइनी हेयर के लिए, स्मूथ हेयर के लिए, तो ये किसका छोटा सा एग्जांपल है। तो प्रोटीन जो है आपके नेल्स, आपके स्किन, आपके जो हेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अपने स्किन, नेल, हेयर है ये भी प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन फंक्शन देखें जो कि है द प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो एंटीबॉडीज बिल्डअप करने के भी काम आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप कर रहे हैं। और ये जो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन क्या काम करते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म का जब एंटर होता है तो उस दौरान क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उन फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है किसी प्रकार की किसी डिजीज से बच जाती है। तो यानी कि ये जो प्रोटीन है वो एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं, एंटीबॉडीज को सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं। और एंटीबॉडीज क्या कर रही है, फाइट कर रही है किससे, फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन मॉलिक्यूल से या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि अपने आप को किसी प्रकार की इलनेस या डिजीज से बचाया जा सके। समझ में आ रही है ये चीज। तो प्रोटीन का ये भी एक बहुत ही असेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाके अपने जो कुछ फंक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्टली जो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन देखेंगे कि प्रोटीन को कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको इसको देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो है प्रोटीन को जो है थ्री टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप और सॉल्युबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। ये तीन ऐसे क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे प्रोटीन को जो है अच्छे तरीके से डेप्थ में जो है क्लासिफाई किया गया है। हम आगे की क्लास में वन बाय वन करके बेटा इन सभी
क्लासिफिकेशंस को अच्छी तरीके से डील करेंगे। तो मेक श्योर क्लास में पूरा फोकस रखिएगा, पूरा अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन के आधार पे प्रोटीन को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कंपोजिशन के आधार पे भी प्रोटीन को जो है तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। हम वन बाय वन करके इनको समझ लेते हैं। तो यानी कि सिंपल प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, यानी कि कोई और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस उनके अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ओनली जो अमाइनो एसिड्स हैं उनसे ही मिलके जो प्रोटीन बनते हैं उसे अपन सिंपल प्रोटीन कहते हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है कि यानी कि ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स तो इनके अंदर प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर नॉन प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबुलिन, है ना। यानी कि ये जो हीमोग्लोबुलिन है किससे मिलकर बना हुआ है? हीम प्लस ग्लोबुलिन। अब इसमें जो वर्ड है ग्लोबुलिन ये क्या हुआ? प्रोटीन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हीम हुआ ये क्या हुआ? आयरन हो गया। तो आयरन क्या हुआ? नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया ना, आयरन कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल थोड़ा ना। तो जब कोई भी प्रोटीन अपने साथ कोई अदर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैरी करता है और इस तरीके के जो प्रोटीन होते हैं उसे अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, और एक इसका एग्जाम्पल लाइपोप्रोटीन भी होता है, एग्जैक्टर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी इनके साथ जो है ऐड होते हैं, ठीक है। थर्ड अगर अपन बात करें जो कि है डिराइव्ड प्रोटीन। अब डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, ठीक है? डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है? डिराइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के दोनों के मिश्रण से बनते हैं, यानी कि जब सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उनके बाद उनका जो हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि उनका जो ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन के बाद में जाके जो प्रोटीन बनते हैं वो अपने डिराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। तो यहाँ पे जाके जो है अपने कंपोजिशन के आधार पे जो भी प्रोटीन के जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होते हैं। कितने क्लासिफिकेशन पढ़े? सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड तीसरा जो अपन ने पढ़ा ड्राइव प्रोटीन। तीनों के अंदर बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अमाइनो एसिड्स प्लस साथ में कोई और जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिलके बने होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो कि सिंपल और कॉन्जुगेटेड दोनों प्रोटीन के मिक्सअप होने के बाद में जब उनका जो हाइड्रोलाइसिस होता है यानी कि ब्रेकडाउन होता है उसके बाद में जो प्रोटीन बनता है वो अपना कौन से होते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी। स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। शेप या सॉल्युबिलिटी के आधार पर अपन देखें तो प्रोटीन को टू टाइप्स क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्लोमुलर प्रोटीन, सेकंड वन इज फिब्रस प्रोटीन। ये दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है और क्या इसके एग्जांपल होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ग्लोमुलर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनकी स्पेरिकल शेप होती है, यानी कि लगभग जो है गोल तरीके का इनका आकार होता है, तो जो स्पेरिकल शेप होती है, ठीक है। और फिब्रस प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो इसका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, या आप इसे रोड लाइक स्ट्रक्चर या आप इसे वायर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यानी कि एक रोड या वायर का जिस तरीके से आकार होता है उस तरीके के जो प्रोटीन होते हैं अपने क्या होते हैं? फिब्रस प्रोटीन कहलाते हैं, और जो कि स्पेरिकल शेप के होते हैं वो अपने ग्लोमुलर प्रोटीन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन डिफरेंशिएशन की बात करें जो कि है दीज आर सॉल्युबल, ठीक है, और दीज आर अनसॉल्युबल, यानी कि ग्लोमुलर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, यानी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर में होते हैं, यानी कि सॉल्युबल नहीं हो पाते बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जाके, ठीक है। ये एक इनके अंदर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। और एग्जांपल की बात करें तो ग्लोमुलर प्रोटीन के लाइक एग्जांपल की इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि स्पेरिकल शेप के होते हैं और साथ ही साथ बॉडी फ्लूइड के साथ सॉल्युबल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें अपन फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल लाइक फिब्रिन और कोलेजन, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वायर लाइक का होता है या रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और डायग्राम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो एक तरफ आपको फाइब्रस प्रोटीन देखने को मिल रहा है और एक तरफ आपको ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो देखने को मिल रहा है। तो यानी कि शेप एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो तरीके से क्लासिफिकेशन था जो कि कंप्लीट होता है। थर्ड क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं और आज की क्लास में सिर्फ अपन क्लासिफिकेशन तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इस प्रोटीन यूनिट के जो आगे के जो
फर्दर टॉपिक है कि प्रोटीन का डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इन सब के बारे में भी अपन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के बाद में जब भी कोई नेक्स्ट क्लास आएगी तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और अपना जो भी पूरा प्रोटीन जो सब टॉपिक है उसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो कि है किसके आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़। न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अपन देखें तो यानी कि दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक है अपना कंप्लीट प्रोटीन और एक है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। बेटा कंप्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं? कंप्लीट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो कि अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स कैरी करते हैं और जिनके अंदर आपको जो है 100% ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे तो उन्हें अपन कंप्लीट प्रोटीन। और जबकि पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि सभी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि पूरे के पूरे जो 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई ना कोई जो अमाइनो एसिड्स होता है वो मिस होते हैं, या टोटल नंबर ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स नहीं होते, मान लीजिए 18 है, 15 है, 16 है, और इस तरीके से जो प्रोटीन बनता है उसे अपन पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके आपके जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में सिर्फ अपन यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आप सभी प्यारे बच्चों को इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो क्लास को अभी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में और साथ ही साथ उसके अब्जॉर्प्शन के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और आगे के जो भी पार्ट्स आएंगे इस यूनिट से रिगार्डिंग उनके अंदर हम इस यूनिट को पूरी और अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट करेंगे और बेहतर तरीके से जो है इसको आगे की जो भी इसकी चीज़ें बची हुई हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी होगी। तो मेक श्योर क्लास को शेयर 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 ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।